नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम अपनी कड़ी में बात कर रहे हैं सेक्स संबंधित समस्याओं से निजात पाने के संबंध में। ये बहुत ही कॉमन सी बात है दोस्तों कि हमारे देश में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इन समस्याओं से जूझते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर हम इस टॉपिक पर किससे बात करें, किससे पूछें, क्योंकि वो शर्मिली प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर हमारा समाज ऐसा है, हम बचपन से ऐसे माहौल में पलते बढ़ते हैं जिनमें सेक्स संबंधित समस्याओं के बारे में या फिर सेक्स से रिलेटेड शिक्षा नहीं मिल पाती है या नहीं दी जाती है, जिससे कि आगे चल करके ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम किसी से भी अपनी सेक्स संबंधित समस्याओं के बारे में बात करना उचित नहीं समझते हैं या फिर हमें शर्मिंदगी होती है। कई लोग डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इसे कमजोरी मानते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए हमने सोचा क्यों ना एकाकीपन से ही, अकेले में ही उनकी समस्याओं का समाधान बताया जा सके, ताकि उनको किसी को पता भी न चले कि उनको ये प्रॉब्लम है और उनकी समस्या का समाधान भी हो जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये माध्यम नेट के जरिए हमने कोशिश किया है, हमारा प्रयास है ऐसे सभी भाई बंधुओं के लिए जो कि ऐसी समस्याओं से जूझते हैं। दोस्तों आइए, आज हमारी एक पाठक हैं जिनका मेल पढ़ते हैं। क्या कहना है इनका? जिन स्त्रियों के स्तन अधिक भारी होते हैं, क्या उनके दूध भी अधिक मात्रा में निकलता है? जी हाँ, ध्यान से एक बार इनका प्रश्न और पढ़ते हैं हम। इनका कहना है कि क्या जिन स्त्रियों के स्तन अधिक भारी होते हैं या बड़े होते हैं, उनके दूध भी अधिक मात्रा में निकलता है? प्रिय श्रोता, जहाँ तक स्तनों से दूध अधिक आने का प्रश्न है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिन युवतियों के स्तन बहुत बड़े होते हैं, वो अपने बच्चों को उन युवतियों की अपेक्षा कम दूध पिला पाती हैं जिनके स्तन छोटे होते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत बड़े और मोटे स्तनों में अधिकतर चर्बी होती है जो ग्रंथि के टिश्यूओं पर चढ़ी होती है, जबकि छोटे स्तनों वाली युवतियों में काफ़ी मात्रा में स्तनीय टिश्यू होते हैं जो उनमें फालतू चर्बी नहीं होती, इसीलिए उनमें दूध काफ़ी अधिक रहता है। यह बात आवश्यक है कि प्रणय क्रीड़ा और सौंदर्य की दृष्टि से कुछ बड़े और उन्नत उरोज अधिक आकर्षक होते हैं, परंतु बहुत बड़े उरोज अपने दूध वाले महत्व को नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हर एक चीज़ का दोस्तों आप देखते हैं आपकी लाइफ में बैलेंस होता है, अगर किधर से आपको लाभ है तो कहीं ना कहीं से लॉस भी है। तो इसी प्रकार से वो दर्शनीय तो होते हैं, देखने में तो अच्छे होते हैं, आपके कामुक पति के लिए तो अच्छा हो सकता है, पार्टनर के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर बच्चों के लिए दूध पीना उसमें से मुश्किल हो जाता है। तो छोटी स्तनों वाले यानी कि जिनके स्तन छोटे होते हैं, वो अपने बच्चों को दूध अच्छे से पिला पाते हैं क्योंकि उनको दूध ईजिली आता है। हम आपको बता चुके हैं कि इसके रीजंस क्या होते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर आपके भी मन में कुछ ऐसी समस्या या कोई ऐसी बात है जो आप किसी अन्य से नहीं पूछ पा रहे हैं या शेयर कर पा रहे हैं, तो हमें आप लिखकर भेज सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।